हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉव जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल गॉव जॉब टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, वाटर डिपार्टमेंट पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यूके सावर्ड ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधी भर्ती जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सावर्ड ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एज 21 से लेकर 42 के बीच में तो अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, जो भी वैकेंसी आया है वाटर डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगा है यहाँ पे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे, वहाँ पर जाकर आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देता हूँ जो भी अपडेट आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, सावर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूँ वेबसाइट में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बता दूँ जो वैकेंसी आया है यहाँ पे। दोस्तों, आपका वैकेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड आप देख सकते हैं, UKSSC यानी कि UK सावर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई का वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट आपका 25 अगस्त को रखा गया है। अप्लाई मोड जो है दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा गया है, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियर की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका एज लिमिट यहाँ पे 21 से लेकर 42 साल रखा गया है, यानी कि आपका मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। इसके बीच में अगर होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पे दी गई है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। अगर अप्लाई भी लिंक पे भी यहाँ पे दी गई है, अप्लाई लिंक पे भी क्लिक कीजिएगा तो आप सीधा अप्लाई लिंक पे पहुँच जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आया दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशित की तिथि यहाँ पे 9/7/2019 को दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 15/7/2019 को रखा गया है, और ऑनलाइन का आवेदन करने का अंतिम तिथि यहाँ पे 25/8/2019 को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो शुल्क जमा करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो दोस्तों 27/8/2019 को रखा गया है। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों आपका, वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर महीने में आपका एग्ज़ाम ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताया, सभी डिटेल्स यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की कितना वैकेंसी आया है, 100 वैकेंसी आया है, सभी कुछ दी गई है यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसे आवेदन करना है, सब कुछ दी गई है। आपका वेतनमान हो जाएगा 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये, जो बहुत ही अच्छा सैलरी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे लिखित परीक्षा क्या क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से लेकर डायरेक्टली आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके फुल पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो भी अपडेट आया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।